नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एस्ट्रोलॉजिकल गुरुजी में। और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कन्या राशि वालों, 1 जुलाई से वक्त बदल रहा है। आज तेरे लिए वक्त का इशारा है, देखता यह जा जहां इशारा है, फिर भी तुझे रास्तों की तलाश है, आज फिर मंजिलों ने पुकारा है। दोस्तों, जिंदगी में मायूस होना छोड़ दीजिए। तकदीर और दूसरे लोगों को कोस देने से क्या फायदा, जब सपने भी हमारे थे और कोशिशें भी हमारी थी। दोस्तों, नाकामयाब से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आने वाला वक्त आपका इंतजार कर रहा है। जुलाई 2019 में आपके लिए कई उन्नति के अवसर आने वाले हैं, जिसके चलते आपका वक्त बदल ही जाएगा। दोस्तों, दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं है, बस उसे करने के लिए हिम्मत और हौसला चाहिए। वक्त आपका है और इसे चाहे सोना बना दो या फिर सोने में गुजार दो, दुनिया आपके कर्मों से बदलने वाली है। मेहनत करने में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखने वाले आप लोगों ने बहुत संघर्ष किया है। यदि आप अच्छे मौके के इंतजार में हैं, तो आपका इंतजार खत्म हो सकता है, क्योंकि धन दौलत सुख वैभव साहिबी के प्रदाता शुक्र ग्रह 30 जुलाई को आय भवन में प्रवेश करेंगे। बुद्धि के प्रदाता बुध ग्रह पूरे महीने द्वादश भाव में रहने वाले हैं। उच्च पद प्रदान करने वाले गुरु ग्रह जुलाई महीने में पराक्रम भवन में रहने वाले हैं। भूमि मकान जमीन से लाभ दिलाने वाले मंगल ग्रह पूरे महीने द्वादश भवन में रहने वाले हैं। आत्मा के कारक शुक्र ग्रह 16 जुलाई को आय भवन में प्रवेश करेंगे। दोस्तों, ग्रहों की स्थितियां बदल रही है, इस आधार पर हम जरूर कह सकते हैं कि 1 जुलाई से वक्त बदल है जाएगा। कन्या राशि फल जुलाई 2019 के अनुसार इस महीने में प्रोफेशनल क्षेत्र में आपकी महत्वाकांक्षा पूरी होने वाली है। कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी, करियर में आपके आगे बढ़ने के प्रबल योग बन रहे हैं। दोस्तों, नए विचारों के साथ आगे बढ़ेंगे तो सफलता अवश्य ही मिलेगी। कार्य करते हुए भी अच्छे जॉब की तलाश कर रहे हैं तो आपको भाग्य का साथ मिल रहा है। अच्छी नौकरी का प्रस्ताव भी इस मिल सकता है। जो लोग दैनिक व्यवसाय से परेशान थे, उनके लिए खुशखबरी मिल सकती है। सूर्य और शुक्र की युति आय भवन में हो रही है, जिसके चलते अधिक मुनाफा तो होगा, साथ में आपकी धन प्राप्ति के प्रयास भी सफल होंगे, जिसके चलते पारिवारिक खुशियों में बढ़ोतरी होगी और अधिक धन संचय करने में भी कामयाब रहेंगे, जिसका सीधा असर आपके व्यवहार जीवन में जरूर होगा। दोस्तों, अब नौकरी पेशा लोगों के लिए महीना शुभ कहा जा सकता है, क्योंकि इस महीने पदोन्नति के अच्छे योग बन रहे हैं। आपके प्रतिभा का सम्मान तो होगा, साथ में अधिकारियों का साथ भी मिलने वाला है। दोस्तों, कुछ नया सोच रहे हैं तो उसे हकीकत में बदलिए, आगे का साथ मिल रहा है। आप में से कई लोगों को शेयर बाजार से अधिक लाभ हो सकता है। राहु ग्रह की स्थिति आपको दूर देश, यहाँ तक कि विदेश में भी पहुंचा सकते हैं। बाहर जाने में हो रही समस्या दूर होगी। आर्थिक मोर्चे पर भी आपको कोई बड़ी सौगात मिल सकती है। यदि बैंक में लोन के लिए आवेदन दिया है तो यकीन रखिए, आपका काम बन सकता है, जिसके चलते अपने खुद का व्यवसाय, अपने खुद का मकान का सपना भी पूरा हो सकता है। दोस्तों, एक बात जरूर याद रखिए कि दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं है, बस उसे करने के लिए हिम्मत और हौसला चाहिए। नए व्यवसाय प्रारंभ करना चाहते हैं तो वश करें, सफलता मिल सकती है। विद्यार्थी जातकों को भाग्य का साथ मिलेगा। धन योग के चलते पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं। जो लोग प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वह अधिक मेहनत करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब किस्मत का साथ मिलता है तो रंक से राजा बनने में देर नहीं लगती। इस महीने सेहत को लेकर कुछ ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। सामान्य कमर दर्द, पेट से थोड़ी परेशानियां हो सकती है। दोस्तों, इस महीने धन के मामले में किसी भी ज्यादा भरोसा ना करें।
वैवाहिक जीवन में खुशियाँ बरकरार रहेगी। घर में कोई बड़ी खुशी दस्तक दे सकती है, लेकिन प्रेम के पुजारियों के लिए यह महीना काफी उतार चढ़ाव से भरा रह सकता है। इस महीने में किसी के साथ नए रिश्ते की शुरुआत भी हो सकती है, साथ ही प्रेमी के साथ मनोरंजन एवं घूमने के मौके भी मिलेंगे और प्यार जीवन का संपूर्ण रसों का भी सुख मिलेगा। जो लंबे समय से साथी दोस्त प्रियतम का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। विवाह योग भी बन रहा है। दोस्तों, जीवन साथी की भावनाओं को समझने से वैवाहिक जीवन में खुशियां और बढ़ेगी। एक बात और, इस महीने आपको नकारात्मक लोगों से हर कीमत से बचना होगा, क्योंकि वह लोग आपको थका देंगे और नीचे कर देंगे। दोस्तों, प्रगति बदलाव के बिना असंभव है। जो लोग अपने सोच नहीं बदल सकते, वह जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। इसलिए अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ें, सफलता अवश्य ही मिलेगी। यह था कन्या राशिफल जुलाई 2019 का राशिफल। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।